बीजेपी प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद आज लालकृष्ण अडवाणी जी ने अपने सभी हम अभी चेन्नई से आए हैं और ये खबर मिली कि अडवाणी जी ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और एनडीए के बनाने में अटल जी और अडवाणी जी का सबसे ज्यादा हाथ था, हमारा तो उनके साथ ही समझौता था। और ये जो खबर है वो काफी हमारे मन को बहुत हलाने का काम किया और ये एक नई बात हो गई। तो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, हम कैंडिडेट थे, तो उनके इस्तीफा देने के बाद आगे कैसे जो संगठन है और जो परिस्थिति कैसे आगे चलेगी, इस पर हमारी पार्टी भी बैठ करके जल्दी से जल्दी विचार करेंगे। ये नई परिस्थिति है इसलिए इस पर विचार करेंगे और पार्टी का जो सामूहिक निर्णय होगा मंथन के बाद, तो क्या परिस्थिति बनती है तो वो आपको हम बताने का काम करेंगे। अडवाणी जी से कोई बातचीत आपकी हुई क्या, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, आप कन्वेनर है, क्या इस पर कोई बात? इस बीच में मैं दौरे पर हूँ इसलिए मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन एक दो दिन बात होने नहीं होने से नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों का एसोसिएशन बहुत पुराना है, आपस में मतभेद होकर के लड़े भी हैं साथ भी रहे, और ये जो एनडीए बना है वो तो अटल जी और अडवाणी जी के साथ बैठ करके नीतीश जी और जॉर्ज और हेगड़े साहब ने बनाया था, तो बाद में शरीक हुए थे, लेकिन हमको जो नेशनल एजेंडा बनाया था उसके सारे जो सारे मामले पर इन लोगों ने आके हमसे बहस की थी तब हम ज्वाइन किए थे। जी शरद जी, सबसे बड़ी बात जो मोदी के नाम पर हमेशा जेडीयू में जो है हमेशा तकरार देखी गई थी बीजेपी और इसको लेकर, तो क्या क्या लगता है कि अब अडवाणी जी के अलग हुए हैं तो क्या कुछ अलग रास्ता इख्तियार करेंगे आप? नहीं, सवाल तो अभी अडवाणी जी का है, तो अडवाणी जी का जो मामला है ये नया एक तरह से डेवलपमेंट हुआ है, तो इसके बाद तो हमको पार्टी को सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे दिन दोनों से था अटल और अडवाणी जी से। अब एनडीए का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना जब अडवाणी जल्दी आप ये सारी बात विचार करेंगे ना, तो बीजेपी के नेताओं से क्या कोई बातचीत होगी? अभी हमको वो लोगों ने बताया वो एनडीए से के चेयरमैनशिप से नहीं इस्तीफा दिया, एनडीए की चेयरमैनशिप से नहीं दिया, बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। वही मैं कह रहा हूँ, तो ये बात भी है, वो तो यहाँ एनडीए में बीजेपी के ही कोटे से उससे थे, वो ससुरा गठन कर ले, लेकिन बीजेपी उन्होंने अभी पार्टी नहीं छोड़ी है। नहीं, मैं ये कहां कह रहा हूं, जब वो फंक्शनल ही नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे, जब वो सारी चीजों से अलग हो गए हैं